डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे ड्रॉट के ऊपर, जिसमें कि बहुत सारे पैरामीटर को निकालना है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद डेटा गिवन और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है उसको पहले रीड आउट कर लेते हैं। अ चिमनी ऑफ 25 मीटर हाइट एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट गैसेस इन द चिमनी इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द आउटसाइड एयर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द एयर सप्लाई रेट इज 20 केजी पर केजी ऑफ द कोल बर्न। फाइंड पहला पैरामीटर थियोरिटिकल ड्रॉट इन एमएम H2O जिसे बोलते हैं, दूसरा द इक्विवेलेंट गैस हेड, तीसरा वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस थ्रू द चिमनी, चौथा वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस थ्रू द चिमनी इफ द 50% ड्रॉट इज लॉस्ट इन फ्रैक्शन एट पैसेज एंड द ग्रेट। तो सबसे पहले डेटा गिवन यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे वन बाई वन पैरामीटर्स को। तो हाइट ऑफ चिमनी दिया हुआ है 25 मीटर, मास ऑफ एयर दिया है 20 केजी पर केजी ऑफ कोल बर्न, उसके बाद टीजी दिया हुआ है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 300 प्लस 273 हमारे पास 573 हो जाएगा केल्विन में, और टीए जो है हमारे पास दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम केल्विन में चेंज कर देंगे 273 से प्लस करके, तो ये आ जाएगा 298 केल्विन। तो सबसे पहले हमें निकालना है थियोरेटिकल ड्रॉट, जिसके लिए फार्मूला होता है 353 H और ब्रैकेट में 1 बाई टी ए माइनस ऑफ 1 बाई टी जी और एम ए प्लस 1 बाई एम ए, ये हमें निकालना है सबसे पहले। तो यहाँ पे H भी दिया हुआ है 25 मीटर, टी ए की वैल्यू दी हुई है 298 केल्विन, टी जी की वैल्यू दी हुई है 573 केल्विन, एम ए की वैल्यू दी हुई है 20 के जी, सभी को पुट कर देंगे और हम थियोरेटिकल ड्रॉट को निकाल लेंगे। तो ये 25 मीटर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 1 बाई टी ए 298 माइनस ऑफ 1 बाई टी जी 573 मल्टीप्लाई बाई एम ए 20 प्लस 1 बाई 20। तो यहां से एच डब्ल्यू यानी कि थियोरेटिकल ड्रॉट निकल जाएगा, ये आ रही है 13.43 mm ऑफ वाटर। तो ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद दूसरे आंसर के लिए जो कि हमें चाहिए है इक्विवेलेंट गैस हेड, तो फार्मूले भी इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल एच जी इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में एम ए अपॉन एम ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई टी जी बाई टी ए माइनस ऑफ 1, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो जिसमें हाइट ऑफ चिमनी दिया है, मास ऑफ एयर दिया है, टी जी टेम्परेचर ऑफ गैसेस दिया है और एटमोस्फेरिक टेम्परेचर दिया है। तो एच जी इज इक्वल टू जो कि इक्विवेलेंट गैस हेड है, तो कैपिटल एच दिया है 25, मास ऑफ एयर दिया है 20, तो 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई टी जी ये दिया है 573 अपॉन 298 माइनस ऑफ 1, तो इससे हमारे निकल के आ जाएगी जो एच जी की वैल्यू है ये आ जाएगी 20.72 मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा आंसर हमें जो निकालना है, कैलकुलेट करना है द वेलोसिटी एट नो लॉस कंडीशन पे। तो फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2g hg और k। अब चूंकि यहां पे k जो है वो वेलोसिटी कॉन्फिशेंट के रूप में है, तो नो लॉस की बात करें तो अंडर रूट ऑफ 2g और यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा hg, इसका फार्मूले को अंदर यूज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 20.72, तो वेलोसिटी आ जाएगी 21.11 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर हो गया। उसके बाद हमें निकालना है वेलोसिटी 50% लॉस के साथ। तो कैलकुलेट द वेलोसिटी एट 50% लॉस ऑफ ड्रॉट। तो हम यहां पे जो एक्चुअल हमारे पास हेड रहेगा, अवेलेबल हेड रहेगा, उसको हम यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो
अवेलेबल हेड आएगा 10.36 मीटर। अब हम वेलोसिटी के फार्मूले में इसको यूज करके और जो एक्चुअल वेलोसिटी है उसको निकाल देंगे, तो नाउ वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला रहेगा 2GHG, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 29.81 मल्टीप्लाई बाई 10.36, तो v इज इक्वल टू 14.25 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड था।